दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी स्टडी क्लासेस। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लास सिक्स मैथ्स का मूविंग आवर नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का 9 से 12 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, देखते हैं। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, मतलब एक शर्ट को सिलने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का क्लॉथ लगता है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ मतलब 40 मीटर क्लॉथ में हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। ठीक है, तो हम जैसे एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ लगता है और हमारे पास 40 मीटर क्लॉथ है, तो कितने शर्ट्स बनाए जा सकते हैं और कितने कितना कपड़ा बच जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। हमने जैसे लिख लिया है, ठीक है, जैसे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना है, टोटल हमारे पास क्लॉथ कितना है 40 मीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या बताए थे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 40 मीटर में 100 40 into 100 यानी 4000 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर क्लॉथ हो गया टोटल। और एक शर्ट को बनाने में कितना कितना क्लॉथ लगता है, तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको भी चेंज कर लेते हैं, तो 2 into 100 + 15 यानी 215 सेंटीमीटर, यानी एक 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 कपड़ा एक शर्ट बनाने में 215 सेंटीमीटर क्लॉथ लगता है और हमारे पास 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ है, तो कितने शर्ट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ कितने, तो हम क्या करेंगे 215 से, ठीक है, 4000 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम डिवाइड करते हैं 215, अगर 2 से करेंगे तो 430 हो जाएगा, जो 400 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये 3 अंक है ना, तो ये पहले 1 2 3 यहाँ 3 अंक है, पहले इस 3 अंक को ही हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे अगर इसको 2 से हम डिवाइड करते हैं तो ये 4000 जो 400 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 1 टाइम में ही ले जाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पे 215 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 10 + 5 = 5, यहाँ गया 9, 9 + 1 = 8, यहाँ हो गया 3, 3 + 2 = 1। ठीक है, ये 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसको ये कितनी बार में जाएगा 215 से, ये तो अगर 9 2 = 18, 9 बार में तो जा नहीं सकता, तो 7 बार में ले जाते हैं, 7 बार में देखते हैं क्या आता है, 7 बार। ठीक है, क्योंकि ये 9 2 = 18 और 9 से 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 8 से ले जाते हैं, 8 से 8 2 = 16 हम देखते हैं क्या होता है, तो 8 5 = 40 का 0 carry 4, 8 1 = 8 और 4 12 = 2 carry 1, 8 2 = 16 1 17। ठीक है, उसको सब ठीक करते हैं, तो यहाँ पर 5 2 या 3, यहाँ हो गया 8 में 7 = 1, ये क्रॉस। ठीक है, तो इतने, तो ये जो आया इतने शर्ट्स बनाए जाएंगे और इतना रिमेन इतने बचेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन। ठीक है, यानी कि जो क्या किया हमने, जैसे क्लॉथ था, क्लॉथ हमारे पास 40 मीटर था, तो उसको हमने सेंटीमीटर में चेंज किया, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 400 सेंटीमीटर टोटल क्लॉथ हो गया,
कि एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ लगता है, तो टोटल उसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो टोटल 215 सेंटीमीटर एक शर्ट बनाने में लगता है। ठीक है, तो 215 से हम 4000 को डिवाइड कर देंगे तो क्या है 18 शर्ट, और यहाँ पे जो बच गया उतने कपड़ा हमारे पास बच गया और इतने शर्ट बने, तो हमने लिया आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ 18 शर्ट्स कैन बी स्टिचेड एंड 130 सेंटीमीटर विल रिमेन, यानी कि 18 शर्ट बनाए जा सकते हैं और 130 सेंटीमीटर क्लॉथ बच जाएंगे। तो ये था आपका 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। लिखा हुआ है मेडिसिन इज पैक इन बॉक्सेस इच वेटिंग 4 kg 500 ग्राम, मतलब मेडिसिन को बॉक्स में पैक किया जाता है, इसमें हर एक बॉक्स का वेट कितना है 4 kg 500 ग्राम। ठीक है, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन व्हिच कैनॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। ठीक है, तो ऐसे कितने बॉक्सेस उस गाड़ी में भरे जा सकते हैं जो गाड़ी 800 kg से ज़्यादा वेट नहीं उठा सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखते हैं। लोड दैट अ वैन कैन कैरी क्या होगा 800 kg कवर, तो 800 kg को चूंकि ग्राम में है यहाँ पे ग्राम में सुना बहुत, इसको ग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो क्या करते हैं ग्राम में तो लेते हैं यहाँ पे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ये तो आपको मालूम होगा 1 kg में 1000 ग्राम, तो इसलिए क्या होगा 800 kg में कितना होगा 800 × 1000 ग्राम, यानी कि 800000 ग्राम। ठीक है, 800000 ग्राम इतना ग्राम है। ठीक है, और अब इसको चाहिए एंड वेट ऑफ अ बॉक्स, और एक बॉक्स बॉक्स का वेट कितना है, तो 4 kg 500 ग्राम, तो 4 kg को अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 500 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या कितना हो गया 4500 ग्राम। ठीक है, यानी कि एक बॉक्स का वेट जो है वो ग्राम में 4500 ग्राम, और टोटल वो वान कितना ले जा सकती है 800000 ग्राम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे क्या लिखा हुआ है कैन बी लोडेड इन वन विच कैन कैरी बियॉन्ड 800 kg, मतलब जो वो वन जो 800 kg से ज़्यादा नहीं ले जा सकती उसमें इतने किलोग्राम के कितने बॉक्सेस भरे जा सकते हैं, यानी कि इसमें नंबर पूछ रहा है कि बॉक्सेस का नंबर पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे तो आते हैं पहले क्या करेंगे 45 से 800000 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करें क्योंकि ये कुछ बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल करते हैं, जैसे यहाँ पे ये क्या होता है 20 से अगर आप 100 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 5 आएगा 25 से 100, और ये इस 0 से ये 0 हटा देंगे और 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो भी 5 ही आएगा, यानी कोई अंतर नहीं पड़ता है, पर इस 0 से 0 को हटा दिए तो। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं तो 45 है, 45 यहाँ पे 80 है, 2 अंक है, तो यहाँ 2 अंक पहले डिवाइड करेंगे, 45 2 90 हो जाता है, तो 1 बार में डिवाइड करेंगे तो 45। ठीक है, तो यहाँ 10 5 5 यहाँ हो गया क्या हो गया 7 3 5 4 3, ये 0 उतारेंगे। ठीक है, अब चूँकि ये 45 है और यहाँ 350 है, कितनी बार 8 बार में जाएगा 8 5 8 बार में कितना होगा 8, तो जो कि 36 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 8 बार में 7 बार मिल जाएंगे। ठीक है, 7 5 35 7 5 35 5 3 7 4 28 28 31। ठीक है, यहाँ से डिवाइड माइनस करते हैं तो यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 10 5 5 यहाँ 4 3 कट गया। ठीक है, फिर अब ये वाला 0 उतार रहे हैं। ठीक है, फिर उतना ही बार में 7 बार में तो 315। ठीक है, तो इसमें फिर वही कितना आ जाएगा 10 5 5 यहाँ या 4 1 3। ठीक है, यानी कि टोटल इतने बॉक्सेस वो जो वन है वो ले जा सकती है और इतना स्पेस
उनको चेक करें, ठीक है, एंड ये आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट स्टूडेंट्स हाउस इज 1 km 875। मतलब एक स्टूडेंट के स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी 1 km 875 मीटर। ठीक है, सी एवरी डे सी वर्क्स बोथ वे, रोज वो आती और जाती है। ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। तो 6 दिन में उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए कि 6 दिन में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस कितना लिखा है, 1 km 775 मीटर। कितना लिखा हुआ है, 1 km 875 मीटर। तो इसको अगर हम मीटर में केवल चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो गया, 1875 मीटर। तो इसको ये कितना हो गया, 1875 मीटर। इतना मीटर वो मतलब एक साइड से चले। ठीक है, और क्योंकि वो दोनों साइड से चल रही है, सी बोथ वे, क्योंकि वो दोनों साइड चल रही है, तो क्या करेंगे, 1875 into 2 डिवाइड करेंगे, 5 × 10 यू कैरी 1 7 × 14 5 कैरी 1। ठीक है, 8 × 6 17 7 कैरी 1 2 × 2 1 3। यानी अगर वो एक दिन में आती और जाती है तो वो इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ डेज कितना हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 दिन में कितना ट्रेवल करते हैं, 3750 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ डेज कितना, 6। मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 दिन में इतना तो 6 दिन में कितना, मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 6 × 30 का ये तो 33, 6 × 7 = 42 और 345 5 × 4 6 × 3 = 18 और 4 = 22। यानी इतना मीटर वो 6 दिन में चलेगी। और इसको अगर किलोमीटर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 225 00। ठीक है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2200 मीटर। ये 1 2 3 है ना, 1 2 3 0 है, 1 2 3। यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो इधर वाला जो पार्ट है वो किलोमीटर का है और इधर वाला मीटर का, यानी 22 किलोमीटर 500 मीटर वो 6 दिन में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। मतलब एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड है तो कितने ग्लास भरे जा सकते हैं जिनकी कैपेसिटी कितनी है, 25 ml। यानी एक ग्लास है जिसकी 45 ml कैपेसिटी है, वैसे कितने ग्लास 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड से भरे जा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे मनाते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखा है टोटल कर्ड ऑफ वेसल हैज 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 लीटर = 1000 मिलीलीटर, इसलिए 4 लीटर = 4000 ml +500 ml। इसको 4 लीटर का 4000 चेंज कर दिए और +500 ml जोड़ दिए, कितना हो गया, 4500 ml। इतना टोटल कार्ड है। ठीक है, और यहाँ से लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास कितना है, 25 ml। ठीक है, एक ग्लास का कैपेसिटी 25 ml। तो अब यहाँ पे therefore that can be filled by ml of curd r, क्या करेंगे, तो
जो 4500 मिलीलीटर है इसको हम 25 मिलीलीटर से डिवाइड करें, तो यहाँ पे 25 है, यहाँ 45 है, दोबारा से करेंगे 50 हो जाएगा, तो एक बार में लेंगे 25, यहाँ हो गया 20, ठीक है, यहाँ 0 हो गया, 25 से 8 बार में डिवाइड करेंगे तो ये 8 200 आता है, ये कट गया, ये वाला 0 हो गया, ठीक है, तो ये अब ये 0 से भागने जाएगा तो यहाँ 0 लगा, यानी कि इतने ग्लासेस, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 1.2 का 9 से लेके 12 क्वेश्चन नंबर तक। दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, थैंक यू।